हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के कुछ नए अपडेट्स के बारे में। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में यस बैंक की। यस किन किन एजेंसीज ने यहां पर क्या क्या रेटिंग्स दी है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कुछ नई अपडेट्स आई हैं और साथ ही में बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में यस बैंक के कितने शेयर हैं, प्लीज ये बताइए। तो मैं आपको बताने वाला हूं, बल्कि बताने क्या, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितने स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो में यस बैंक के। यस, ये सारी बातें दोस्तों आज हम आज की वीडियो करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि जिन लोगों ने कोर्स लिए हैं सभी वापस से मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर बहुत अच्छा कोर्स है ये अप्रिशिएशन जो देते हैं उस चीज के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वन टू वन मैसेज दोस्तों करता नहीं हूँ। तो यहीं पर दोस्तों मैं आप सभी को थैंक यू बोल देता हूँ। और अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ऐसे मौके को जाने मत दें। 30 से 40 हजार तक का ये कोर्स है जो कि मैं आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद ही दे देने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिए हैं, एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा की, आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा और मैं आपको ये कोर्स का एक्सेस दे देने वाला हूँ। क्या करना है, इस नंबर पर TFS लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। इस कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है ये अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी दिया है, इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल वहां पर अवेलेबल है, जाकर उसे जरूर देखिए। दोस्तों इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में अब चले चलते हैं वापस से यस बैंक के वीडियो के ऊपर। यहाँ पर देखें NSE की साइट के ऊपर दोस्तों मैं आया हुआ हूँ और यहाँ मैंने यस बैंक को ओपन किया है। लास्ट मार्केट सेशन में मतलब कल की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक जो है वो 10 पैसे डाउन गया। लेकिन 10 पैसे डाउन क्यों गया है और इस प्राइस पर ये कब तक ट्रेड करेगा ये हमें बात करनी चाहिए, बिकॉज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टॉक तो होता रहेगा। अगर आज ऊपर गया तो हो सकता है कल डाउन जाए, यही ये तो एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन यस बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मतलब 16, 17, 18 इस पे कब तक कंसोलिडेट करता रहेगा ये हमें जानने वाली चीज जरूर है। यस उसके बारे में भी हम दोस्तों लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। तकरीबन 44.72% लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी उठाई है। तकरीबन 2,12,38,298 स्टॉक्स जो हैं वो डिलीवरी में उठाए गए हैं। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि ये लोग जो हैं जिन्होंने 44% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई हुई है वो कौन से लोग हैं भाई। यस, तो हमें जानने की जरूरत है कि ये कौन से लोग हैं जो यहाँ पर डिलीवरी उठा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आए दिन ही खबर दोस्तों उठ रही है कि ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इतनी डिलीवरी उठाई जाती है। तो यहाँ पर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये सारी चीजें क्या हो रही है। लेकिन मेरा काम है आपको सिंपल और स्वीट तरीके से न्यूज को दिखाना, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। पहली न्यूज यस बैंक के ऊपर जो आई हुई है वो ये कि यस बैंक ने वापस से अपने डिपॉजिट के इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया है। यस, यस बैंक, डीसीबी बैंक और RBL ने क्या किया है, मोर देन 7% या फिक्स डिपॉजिट पे जो है सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट देने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट चार्ट यहां पर दिया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर प्राइवेट बैंक में यस बैंक का नाम दिखाई दे रहा होगा जो कि 7.50% का आपको इंटरेस्ट देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा डिपॉजिट, लेकिन सीनियर सिटीजन को ये जो है वो फायदा मिलने वाला है। लेकिन बड़ी बात है दोस्तों 7.5% का कोई बैंक नहीं देती है, यहाँ तक कि DCB बैंक, RBL बैंक भी 7.25% दे रही है। इंडसइंड बैंक जो है वो 7%, बंधन बैंक जो है 6.25%, मतलब यहाँ पर ICICI, HDFC बैंक इन सब का तो नाम ही नहीं है, बिकॉज उनके जो इंटरेस्ट है वो थोड़े से और भी कम है, इसलिए आपको इस लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों इन सब चीजों की वजह से यस बैंक डेफिनेटली एक तो चर्चित भी रहता है, साथ ही में जो रिटेल डिपॉजिटर्स है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, उनकी पसंद का ये अभी पहला बैंक बनता हुआ जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो 7.5% का एक रिटर्न अगर आपको मिल रहा है वो भी बिना किसी 1% के भी, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि डरने वाली बात नहीं है, एक रिस्क वाली बात नहीं है, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं तो कोई भी क्यों नहीं यहाँ पर अपने पैसे को डिपॉजिट करेगा। तो दोस्तों ये थी पहली खबर। उसके बाद हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो देखिए अगर आप यस बैंक की साइट के ऊपर जाओगे तो वहां पर जो है आपको क्रेडिट रेटिंग का अबाउट अस के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ कितने कौन कौन सी एजेंसीज ने यहाँ पर क्या क्या क्रेडिट
क्रेडिट रेटिंग दी हुई है। देखिए सारे फेमस नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, चाहे वो मूडीज हो, चाहे वो डोमेस्टिक रेटिंग के अंदर अगर हम बात करें क्रिसिल की, केयर की, ICRA, ब्रिकवर्क, ये सारे नाम, इंडिया रेटिंग, ये सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सभी के सब ने दोस्तों यहाँ पर रेटिंग बहुत ही अच्छी दी है यस बैंक को। देखिए यहाँ पर नीचे सबमिट टिक मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। यस लेटेस्ट की दोस्तों बात करें तो ब्रिक वर्क की अगर आप रेटिंग देखें तो अभी फेब के महीने में उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी खासी रेटिंग दी है यस बैंक के लिए। इंटरनेशनल रेटिंग में दोस्तों मूडीज हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए B3 एंड आउटलुक इज स्टेबल बता दिया है, जो कि एक बड़ी बात है। दोस्तों ये थी रेटिंग की बात जो कि हम सभी को जाननी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर हैं और आप अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें पहले देखनी चाहिए। दोस्तों लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और एक चीज। कई बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताया गया कि राकेश झुंझुनवाला जी ने जो यहाँ पर स्टॉक बाई किए थे येस बैंक के ऊपर वो कितने परसेंट के थे, वो कितने शेयर्स थे, प्लीज हमें बताइए, और कितने रुपए में उन्होंने बाई किए थे ये जरूर बताइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो खबर आई थी काफी टाइम पहले आई, उस टाइम पे येस बैंक काफी ही ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको स्टॉक एज की वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक फीचर है जहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में देखें यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटी आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट के, उन सभी के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला हो, राकेश आर के दमानी हो, डॉली खन्ना हो, रमेश दमानी हो, विजय केडिया हो, ये सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, राइट। इन सभी के पोर्टफोलियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन सभी के पोर्टफोलियो दिखना है तो आपको यहाँ पर जो है इनके प्रीमियम प्लान को लेना पड़ेगा। बट यस, राकेश झुंझुनवाला जी का जो एक पोर्टफोलियो है उन्होंने इस चीज को बिना प्लान खरीदे भी आप देख सकते हैं, मतलब सिंपल से अगर मैं बात करूं। इस पर क्लिक करता हूं मैं और देखें इंट्रो में राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन है, उनकी बिजनेस क्या था उनका, उन्होंने किस तरीके से एजुकेशन ली, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद में इसका जो ये वाला जो कॉलम है शेयर होल्डिंग का, आप इसमें जाएं, शेयर होल्डिंग अगर आप जाएंगे तो किन किन कंपनी पे कितने कितने परसेंट उनके शेयर होल्डिंग है, ये सारी चीजें आपको इन डिटेल यहाँ पर आपको मालूम चल जाने वाली है। देखिए कौन कौन सी कंपनी पे कितने कितने हैं, VIP हो गया, आयोन हो गया, राइट। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज वाइज की सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पर, देखिए अपाचे लिमिटेड हो गया यहाँ पर है, जॉन एनर्जी हो गया, तो ये सारी कंपनीज के आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको येस बैंक का नाम नहीं दिखाई देगा। बल्कि अगर आप जब डील पे जाओगे ना, यहाँ पर कुछ डील्स भी होती हैं, इनकी बल्क में डील्स होती हैं कि भाई हम आपके इतने शेयर्स ले रहे हैं लेकिन इतने प्राइस पर लेंगे, इस तरीके से डील होती है, राइट। तो वहां पर आएंगे तो आपको दिखाई देने वाला है, देखिए मैं आपको लेकर आता हूँ, ये देखिए यहाँ पर November 4, 2019 की बात है दोस्तों, जब उन्होंने येस बैंक के साथ में डील की थी, तकरीबन कितने शेयर्स लिए थे यहाँ पर देखिए क्वांटिटी दी हुई है, 1,29,50,000 तकरीबन दोस्तों स्टॉक शेयर्स लिए थे उन्होंने उस टाइम पर, बाय किए थे, राइट, जिनको उन्होंने अभी तक सेल नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो बाइंग बस दिखाई दे रही है यहाँ पर, और किस प्राइस पर लिया था, 67.10, बहुत ही ऊपर है दोस्तों अगर आप देखें तो, उन्होंने उस लेवल पर बाइंग की थी जो कि मेरे ख्याल से अभी भी उनके पास में है, क्योंकि अगर उन्होंने सोल्ड किया होता तो डेफिनेटली इस तरीके से हमें दिखाई देता, जैसे कि इसको बाय किया जुबिलेंट को एंड देन आफ्टर सोल्ड भी कर दिया है, राइट। बट हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल बाइंग का ही यहाँ पर एंट्री है, लेकिन सेलिंग का तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो आई थिंक यस बैंक का जो स्टॉक है इतने ऊपर लेवल पर उनके पास में अभी भी अवेलेबल है। आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने है दोस्तों। इसके बाद, इस पर्टिकुलर क्वेरी के बाद, अब वापस चलते हैं यस बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों यस बैंक के चार्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 16 रुपए की रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से, बल्कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन पिछले कुछ महीने से भी ये इसी रेंज पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं दिसंबर की बात तो तकरीबन दिसंबर से ही फरवरी आ गया और इसी रेंज पर है। मैंने आपको इस टाइम पर ही बताया था जब इसने इस रेंज को क्रॉस करके तकरीबन ये 20 के लेवल के ऊपर गया था, तभी मैंने आपको बताया था कि ये लगातार दोस्तों ऊपर नहीं जाने वाला है, बल्कि इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको वहां समझ में आएगा कि पर्टिकुलर ये इस तरीके से ही काम करता है। अगर आप देखें इसके चार्ट को, तो देखिए कुछ दिनों तक ये लगातार ऐसे ही ट्रेंड में एक साइडवेज चलता है, देन आफ्टर ये ऊपर जाता है, देन साइडवेज, देन ऊपर। तो इस तरीके से चलना दोस्तों अच्छा भी है, तभी उस प्राइस को वो मेंटेन कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज देखिए ना, 16 रुपए की प्राइस पर तो ये कायम बना हुआ है, वापस से इसने 12 से 13 की रेंज नहीं दिखाई है,
सो अभी मेरे ख्याल से काफी दिनों से ये साइडवेज ऑलरेडी चल रहा है और अभी अब टाइम है इसके वापस से एक नई जंप का। तो कब वो जंप आएगी, कैसे वो जंप आएगी, इस चीज का पता ना आपको है दोस्तों ना किसी को हो सकता है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में हैं और स्टॉक मार्केट में आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज को आप डेफिनेटली प्रेडिक्ट भी कर सकते हो और अपने अपने हिसाब से उस चीज को लेकर भी चल सकते हो। वो क्या, वो ये कि स्टॉक कैसा है, यस बैंक का स्टॉक है कैसा, यहाँ पर फंडामेंटल कैसे हैं और यहाँ पर जो चीजें बैकग्राउंड में अभी चल रही है क्या वो सब कुछ सही है। अगर ये सारी चीजें सही लगती है आपको तो डेफिनेटली दोस्तों एज अ लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी रेंज दिखाई देगी। इस चीज को कोई भी रोक नहीं सकता, आपके अंदर में पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल परसों अगर हर एक वीक में हर एक महीने में आप इसके प्राइस को चाहते हैं कि ऊपर जाता रहे तो वैसा होगा भी नहीं और आप अपने पेशेंस को भी खो देंगे, साथ ही में यहाँ पर आप सेल करके लॉस कर बैठेंगे और वापस से आप इसको एक ऊंचे दाम पे खरीदेंगे और फिर हमेशा ये सोचते रहेंगे कि और ऊपर जाए और ऊपर जाए। तो इसीलिए आपने अभी अगर यहाँ पर बाइंग करके रखी हो, ये भले ही छोटे क्वांटिटी में ही सही 50-100 जो भी आपकी क्वांटिटी हो या फिर एक बड़ी क्वांटिटी में ही सही, तो उस क्वांटिटी को संभाल कर रखिए, कम से कम 3-4 साल इसको मत सोचिए। आपको यहाँ पर ये स्टॉक मल्टी बैगर बनता हुआ डेफिनेटली नजर आने वाला है। ये चीज बार बार इसीलिए आपको समझाना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग यहाँ पर पेशेंस खोने वाले हैं और लॉस करने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उस कंपनी का नाम भी जरूर लिखिएगा, डेफिनेटली दोस्तों मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करने वाला हूं। और अभी तक आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया है, कोर्स को नहीं लिया है, उसे भी जरूर लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाइए। क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है जहां पर वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है और साथ ही में किस तरीके से आप इस कोर्स को ले सकते हैं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें और पसंद आए तो इस कोर्स में जरूर जरूर एंट्री ले लें। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।